103.5 कम सुबह जाने का मुक्ता भाई म्यूनिसिपल हॉस्पिटल। हाँ तो यार फिलहाल तो अभी हम लोग कोलैब कर रहे हैं विद धवल सिंह, सब सेटअप किया है, इट्स लाइक स्ट्रीम कंटेंट है, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कुछ वीडियोस को। फिलहाल तो सब सेटअप है, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगाई है, यहाँ पे माइक है, यहाँ पे कैमरा है। कैमरा के लिए नॉर्मली कैप्चर कार्ड लगता है, तो हम लोग के पास था नहीं, तो हम लोग ने फिर से जुगाड़ किया है। तो इसके USB से हम लोग ने कैमरा कनेक्ट किया और फिर एक सॉफ्टवेयर है डीजी कैम कंट्रोल, दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका लाइव व्यू तो ले लिया हम लोग ने, और फिर और एक सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग ने उसको डीजी कैम बना दिया, और फिर यही वे यूज करके हम लोग रिव्यूज कर रहे हैं। सो गाइस वी आर अबाउट टू स्टार्ट नाउ, इट्स ऑलमोस्ट अभी रात के 2 बज गए और हम लोग अभी भी शूट कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ दिखने वाला है। यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे धवल है जो दिख नहीं रहा है फिलहाल क्योंकि ये सब सेटअप है यहाँ पे, तो फटफट कंप्लीट करते हैं और फिर वो बाद में मिलता हूँ। सी यू सून। तो अभी हम टी शर्ट चेंज कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि साला 2-3 दिन शूट किया है, तो टी शर्ट चेंज करता हूँ और आपको मिलता हूँ विद इन अ सेकेंड। सो आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट 2 सेशंस और अभी 2 वीडियोज रिव्यू करने वाले हैं टेक्निकली, या फिर मे बी एडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बता सकते हैं, तो हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके फटाफट खत्म करेंगे। फाइनली वी आर डन और अभी सब सेटअप निकाल रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 4:30 इन द मॉर्निंग। सब पहले साफ करके जाके पानी पी के सोना है, आजकल बहुत काम हो रहा है यार, आपको कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है एट द सेम टाइम। लूज है रे, मुझे मेरा टेम्परेचर चेक करना है और ये मेरे पास बहुत टाइम पहले से थर्मामीटर है लेकिन अभी चल नहीं रहा है, और इस पर डिसीजन होगा कि डोलो खाना है कि नहीं खाना है। डोलो वो पैरासीटामोल का मेडिसिन है, तो ये टेम्परेचर अगर दिखाएगा 100+ तो ही खाऊंगा। अच्छा 103.5 फाइनली कैसे कैसे करके इसको चालू किया है, अभी चुपचाप डोलो ले लेगा और चुपचाप सो जाने का, अभी जो आएगा कल सुबह जाने का मुक्ता भाई म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में, फिलहाल सोऊंगा। वापस से रुक गया चलने का। यार आज बहुत दिन के बाद मैं बाहर आया हूँ क्योंकि हम लोग का नॉर्मली कैसे होता है, हम लोग नीचे बस खाना खाने के लिए उतरते और फिर वापस ऊपर चढ़ के काम करने बैठ जाते, बहुत ज्यादा हो गया था वो चीज़ के लिए मैं बीमार हो गया। डॉक्टर के पास से मेडिसिन भी ले गया था मैं आज, तो थोड़ा ठीक हूँ। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक प्रॉपर शेड्यूल क्रिएट करना है ताकि वो वक्त पे सिर्फ काम करे, फिर खुद के हेल्थ को भी थोड़ा टाइम दे, फोकस्ड करे, तो इट्स इम्पोर्टेंट यू फोकस ऑन योर हेल्थ एज वेल एज ऑन योर वर्क। मुझे थोड़ा फील हुआ था 2 दिन पहले आई नीड अ रेस्ट, पर मैंने वो चीज़ भी इग्नोर की, दैट इज द रीजन कि मुझे फीवर आया और बहुत सारी चीजें हुई मेरे से, बट इट्स ओके आई एम रिकवरिंग नाउ। वीडियो काम तो पूरा बंद हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि अभी पूरा रिकवर होने के बाद ही उसको वापस हाथ लगाऊं मैं। ऑलवेज कीप योर हेल्थ एज अ प्रायोरिटी और उसके बाद आपका काम, मैं हमेशा दूसरों को बोलता हूँ लेकिन इस बार मैं खुद भूल गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और जैसे कि कल अनाउंस किया था पबजी बैन हो गया, लेकिन यहाँ पे वो बंदा कंटिन्यू पबजी खेलता है, इतना छोटा बंदा है मेरे अंदर, इतना फैमिली लूडो खेल रही है, उसको उतना भी सेंस नहीं था कि वो कोई आके उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है। बच्चे लोग कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, गेम्स खेल रहे। अकॉर्डिंग टू मी यार जो बैन हुआ है बहुत ही सही है क्योंकि बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे उस चीज के अंदर। दिन में 1-1.5 घंटा खेलते हो तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू पबजी खेलना दिन के 5-6 घंटे या फिर पता नहीं, मुझे मैं कभी खेला नहीं है। टीनेजर्स भी उसमें घुसे पड़े थे, उनको लग रहा था कि बहुत बड़े गेमर्स बनेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं यार, सर्टन लोग ही उसमें करियर बना पाते। मयूर खुद गेम खेलता था, मैंने उसको बोला कि वो टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर अपने आर्ट में, तो अभी वो बहुत इम्प्रूव किया है। हाँ मयूर बेटा क्या रिएक्शन है? 3 महीने मुझे खूब शिकलो है तुझा आइकॉन ना घर है। डिटेक्टिव डिक्स का शूट इसने किया था, वायरमैन का शूट इसने किया था, और फिर इसके बाद किलिंग माय ओन रिफ्लेक्शन। तो यही मेरा पॉइंट है कि आपका जो टाइम है वो प्रॉपरली इन्वेस्ट करो ताकि आप कुछ सीख सको वो टाइम में। वो अगर बंदा 3-4 महीने में इतना सीख सकता है, तो यार आप भी अगर डेली के 2-3 घंटे डालोगे आपके कुछ नया सीखने में, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा वो चीज़।